Good morning, student. Today we'll see conductors and insulators of heat. Material that transfer heat easily through conduction are called conductors, while those materials that do not transfer heat easily through conduction are called insulators or non-conductors of heat. ऐसे materials या ऐसे objects जो कि heat को transfer करते हैं वो सारे क्या होते हैं कंडक्टर्स और जैसे कि वुड है रबर है प्लास्टिक है ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टर्स ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट हमने देखा कि जितने भी मेटल्स हैं वो सारे कैसे हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट वाइल सम मटेरियल लाइक वुड वूल थर्मोकोल कॉर्क प्लास्टिक पेपर आर इंसुलेटर The non-burning end of a burning wooden stick continue to remain at normal or room temperature. Liquid and gases are normally insulators of heat. जितने भी liquid और gases होते हैं वो generally क्या होते हैं insulators of heat. Heat को transfer नहीं करते हैं But metals की यदि बात करते तो सारे metals कैसे होते हैं good conductor of heat. Let us do an activity given. Start at a distance of 5 cm from one end of the iron strip and fix 4 all pin vertically with the help of pegs at interval of 1 cm each. आपको एक 5 cm की आयरन की स्ट्रिप लेनी है उसके ऊपर 4 all pins को फिक्स करना है ठीक और दोनों दो all pins के बीच का डिस्टेंस रखना है 1 cm. Fix one end of the strip to stand. Heat the free end of the strip with a candle. आपको हीट करना है फ्री एंड वाले ऑल पिन के एंड को और जो चिपका हुआ है वो क्या होगा वो वैसे ही रहेगा क्लियर एंड इफ यू रिपीटेड दिस एक्टिविटी विद अ कॉपर बार द ऑल पिन्स फॉल इन रिलेटिवली शॉर्टर टाइम हमने देखा कि आयरन रॉड को यदि हमने उस ऑल पिन्स को फिक्स किया है और उस आयरन रॉड को हमने हीट किया तो क्या हो जाएगा वो ऑल पिन्स धीरे धीरे करके नीचे गिरेगी राइट और फिर क्या हो जाएगा वो आयरन रॉड का दूसरा एंड भी या आयरन स्ट्रिप का दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा यदि हम आयरन स्ट्रिप की जगह कॉपर की स्ट्रिप यूज़ करते हैं तो हमने देखा कि कॉपर में वो ऑल पिन्स जल्दी गिर गए एज़ कम्पेयर टू आयरन स्ट्रिप इससे हमें पता चला कि कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट इन कंपैरिजन टू आयरन आयरन से कॉपर जो है हीट का बेटर कंडक्टर है लेट अस डू अनदर एक्सपेरिमेंट A rectangular box with 6 holes was taken. आपको एक rectangular box लेना है और उसमें 6 holes करने हैं 6 rods made of different material but of the same length and diameter were taken and were initially immersed in wax. आपको 6 rod लेना है उस hole में से आपको डालना है तो आपको यहाँ पे 6 rod अलग अलग टाइप के लेने हैं वुड का है लेड का है एल्युमिनियम आयरन कॉपर एंड सिल्वर द बॉक्स वॉज देन पुट इन कॉन्टैक्ट विद बॉइलिंग वाटर और उस बॉक्स को आप क्या करोगे बॉइलिंग वाटर के कॉन्टैक्ट में लाओगे ओके द बॉक्स वॉज देन पुट इन कॉन्टैक्ट विद बॉइलिंग वाटर ऑन ऑब्जर्विंग द अमाउंट ऑफ वैक्स मेल्टेड ऑन ईच रॉड इट वॉज सीन दैट वैक्स ऑन द सिल्वर रॉड हैज़ मेल्टेड द मोस्ट जब हमने ऊपर के वैक्स को देखा कि कितना वो पिघल रहा है तो सबसे ज़्यादा जो वैक्स पिघला है यानी मोम पिघला है वो सिल्वर रॉड का और सबसे कम था कॉपर रॉड का इस तरह से हमने जो अलग अलग मेटल के रॉड लिए थे उसमें हमें पता चला कि वैक्स सबसे ज़्यादा पिघल गया है जो कि सिल्वर रॉड पे था और सबसे कम पिघल गया जो कि कॉपर पे था इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि कॉपर जो है वो गुड ट्रांसफ़र ऑफ हीट हीट को अच्छे से ट्रांसफ़र करता है
बट कैसा है, कंडक्टिविटी उसकी कैसी है, लेस है। और कंडक्टिविटी सिल्वर की कैसी है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट की मैक्सिमम है, और वुड की तो कॉपर से भी कम है। कंडक्टिविटी मीन्स टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम वन एंड टू अदर, ये किसकी ज़्यादा है, सिल्वर की, क्योंकि वहाँ पे मोम सबसे ज़्यादा पिघला है, और कॉपर में लेस है बाकी सारे कंपेयर से, तो इसकी कंडक्टिविटी कम रहेगी, और वुड की तो सबसे कम थी। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट कंडक्शन, ये जो हीट ट्रांसफ़र होता है इसकी हमें डेली लाइफ में क्या एक्सपीरियंस आते हैं या इसका क्या असर हमारी लाइफ पे होता है। टू कुक फूड इन शॉर्ट टाइम वी यूज़ कुकिंग यूटेंसिल मेड फ्रॉम अलॉयज ऑफ कॉपर, एल्युमिनियम और ब्रास, विच अलाउ फास्टर हीट ट्रांसफ़र टू द फूड। हमारे यहाँ जो खाना बनता है उस खाने पर, खाना बनाने के बर्तन यदि आप कॉपर, एल्युमिनियम या ब्रास यानी पीतल के लेते हो तो उसमें खाना क्या होगा, जल्दी पकेगा, क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। फोल्ड अ थिन पेपर टू मेक एन इंक पॉट, फिल इट विथ वाटर एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम, द वाटर गेट्स हीटेड बट पेपर डज नॉट बर्न। आपको एक पतला सा पेपर लेना है, टू मेक एन इंक पॉट फिल इट विथ वाटर, और उसको आप पानी से क्या करोगे, भरोगे और फिर उसको हीट करोगे, तो उसमें पानी गर्म होगा बट पेपर गर्म नहीं होगा। The heat given to the paper gets transferred to the water. ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो भी हीट आप दे रहे हैं वो किसको, किस में ट्रांसफ़र हो गई, वाटर में, तो टेम्परेचर ऑफ द पेपर डज नॉट इंक्रीज इनफ टू मेक इट बर्न, तो पेपर का टेम्परेचर जल जाए इतना गर्म या इतना ज़्यादा नहीं हुआ, जबकि पानी जल्दी से गर्म हो गया, क्योंकि सारी हीट कहाँ ट्रांसफ़र हुई, वाटर में। If we wrap an iron hammer with paper and throw it into a flame, iron hammer को हम paper से लपेट लेते हैं और उसको हम flame के नीचे लाते हैं, the paper does not burn while on putting a piece of board, similarly wrap in paper, the paper burns। हमने देखा कि जो conductor होते हैं उनके ऊपर आप इंसुलेटर यूज़ करते हो और उसको हीट करते हो तो कंडक्टर में हीट ट्रांसफ़र होती है, जैसे कि पेपर आपने पहले आयरन हैमर के ऊपर लपेटा तो उसमें क्या हो गया, पेपर नहीं जला जबकि आपका आयरन हैमर गर्म हो गया, क्योंकि हीट डायरेक्टली ट्रांसफ़र हुई पेपर से कहाँ पे, हैमर पे, तो पेपर नहीं जला। बट वुड इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट ना, ट्रांसफ़र कंडक्टिविटी उसकी बहुत कम है, तो वुड को आपने जब पेपर में लपेटा और पेपर को हीट किया तो पेपर जल गया, राइट। Handles of cooking utensils are made of non-conducting materials so that they can be handled easily as they do not become hot. आपने देखा होगा कि आपके घर के कई बर्तनों में जैसे कि पैन है, प्रेशर पैन, तो उनमें जो हैंडल्स लगे हुए रहते हैं या कुकर के हैंडल, तो कुकर पूरा गर्म होता है बट हैंडल उसका उतना गर्म नहीं रहता, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर के मेटल का कोटिंग रहता है जो कि क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। टू सेव आइसक्रीम फ्रॉम मेल्टिंग इन समर, इट इज़ रैप इन अ जूट पैक और विथ राइस हस्क, सिंस दीज आर इंसुलेटर्स ऑफ हीट, दे प्रोटेक्ट द आइस फ्रॉम एटमोस्फेरिक हीट एंड प्रिवेंट इट्स मेल्टिंग। आपको आइसक्रीम घर में लाना है दुकान से तो आप उसको क्या करते हो, जूट बैग में या राइस भूसा डाल के उसको लाते हो, वो क्यों करते हो, क्योंकि जूट बैग कैसी है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो बाहर की हीट जूट बैग तक आएगी, आइसक्रीम तक नहीं पहुंचेगी, तो आपका आइसक्रीम क्या होगा, पिघलेगा नहीं, इसलिए उसको पिघलने से बचाने के लिए आप उसको रैप करते हो जूट बैग या राइस हस्क में। वी वेयर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर बिकॉज वूल एंड द एयर ट्रैप इन इट्स फाइबर्स आर इंसुलेटर्स ऑफ हीट, देयरफॉर दे प्रिवेंट द कंडक्शन ऑफ द हीट अवे फ्रॉम द बॉडी। सर्दी के दिनों में हम लोग वूल के यानी वूलन के कपड़े पहनते हैं, तो ये वूल क्या करता है, जितनी भी एयर बाहर की ठंडी हवा रहती है वो उसके जो बारीक बारीक धागे रहते हैं उसमें ट्रैप हो जाती है, और वूल इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इंसुलेटर ऑफ हीट,
मतलब वो क्या करता है, आपके बॉडी की जो गर्मी है उसको बाहर नहीं जाने देता, ना ही बाहर की ठंड को अंदर आने देता है। इस तरह से हमारी बॉडी क्या होती है, ठंड से बच जाती है। वुलन ब्लैंकेट कैन सेव द बॉडी फ्रॉम हीट, इसीलिए हम लोग वुलन के कपड़े, वुलन के ब्लैंकेट सर्दी के दिनों में यूज़ करते हैं। इन डेजर्ट व्हेन द टेम्परेचर इज क्लोज टू 50 डिग्री सेल्सियस, इन समर क्लियर, वी वेयर वुलन क्लोथ इन विंटर बिकॉज वूल एंड एयर ट्रैप इन फाइबर आर इंसुलेटर ऑफ हीट, देयरफॉर दे प्रिवेंट द कंडक्शन ऑफ हीट अवे फ्रॉम द बॉडी। इन डेजर्ट व्हेन द टेम्परेचर इज क्लोज टू 50 डिग्री सेल्सियस, इन समर वुलन ब्लैंकेट कैन सेव द बॉडी फ्रॉम हीट, बॉडी को क्या करती है, वो हीट से भी बचाती है। इन दिस वे आई हैव टिक मार्क आंसर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन, यू राइट इट इन योर कॉपी एंड रीड द चैप्टर ऑनेस्टली।